रूट इतना ऑफ रोडिंग था, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट रूट टू चेक एनी कार। टेस्ट ड्राइव आपको अगर लेनी है ना। क्योंकि आप इसे परचेज के साथ साथ हायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप इस तरफ आए, विंध्यवासिनी माता के मंदिर जरूर आए। हमने आपको इस वीडियो में आज एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी दिखाया है और एक अच्छा गाड़ी का ऑप्शन भी दिखाया है। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट। वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह हम निकले हैं एक डे ट्रिप पर और जैसा कि आप पीछे लोकेशन देख सकते हैं, आज फुल एडवेंचर करने के मूड में हैं हम। हमें इनफैक्ट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ दिख भी गई है। हम देहरादून से हम आए हैं चिला रेंज ऋषिकेश की तरफ और यहाँ पर क्योंकि आपको पता ही है वाइल्ड लाइफ दिखती रहती है। हमने अभी एक हिरन देखा, हमारे साथ ऑलरेडी एक पपी भी है टबरी। तो सबके टेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज ये रोड ट्रिप प्लान किया गया है। एक्सपीरियंस ज्यादा होने वाला है इसमें क्योंकि आज हम सब एक साथ जा रहे हैं टाटा विंगर में। मैक्सिमम जो ट्रैवल होता है वो हम दोनों का होता है, कभी कभी बच्चे भी साथ होते हैं, बट जब कम से कम 8 या 10 फैमिली के लोग या यार दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, तब मजा है असली ट्रैवल का। और उस ट्रैवल के लिए हम काफी ऑप्शंस देख रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना टाटा विंगर चेक की जाए। तो बेसिकली ये तो क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि अगर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन हम हमेशा नज़र में रखते हैं, तो ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल होने वाला है क्योंकि आप इसे परचेज के साथ साथ हायर भी कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल अभी आगे देंगे। फिलहाल हमारे पास जो गाड़ी मिली हमें वो मिली है 15 सीटर, इसमें जो आते हैं ऑप्शन 10 सीटर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब सनी भैया एक बेहतरीन गाना सुनाने वाले हैं। बहुत बुरी है। ये लो, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। साथिया तूने क्या किया, बेरिया तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार। कल जब आपने मेरे को बताया था कि हमने डे ट्रिप में जाना है तो मैंने इसके लिए सर्च करा था, तो इसका सस्पेंशन मैंने देखा था अच्छा है। भैया ने कुछ ऐसा ही हमारे लिए आज प्लान किया हुआ होगा। ऑफ रोडिंग ये जो रूट है ना, ये इस किसी भी कार को टेस्ट करने के लिए बेस्ट रूट है। अगर किसी भी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, सस्पेंशन चेक करना हो तो इससे अच्छा रूट नहीं हो सकता। में बैटरी भी नहीं है और यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, तो मेरा काम तो हो गया है, मेरा फोन चार्ज हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर हर पैसेंजर के लिए आपको यूएसबी पोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर दो की सिटिंग है तो दो पोर्ट है और तुम्हारी तरफ एक है, इसी तरह से पूरे विंगर में आपको मिलते हैं। ये
बहुत मजा आ रहा है हमें सीरियसली, और पूरा रूट इतना ऑफ रोडिंग था, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट रूट टू चेक एनी कार। टेस्ट ड्राइव आपको अगर लेनी है ना, देखना है सस्पेंशन कैसी है, इस रूट पे ले आओ, पता चल जाएगा। अभी हम पहुंच गए हैं विंध्यवासिनी मंदिर, ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन हाँ आने में आपको टाइम लगता है क्योंकि जैसे कि रूट हमने आपको दिखाया, पर बहुत मज़ा आता है। अभी हम बस यहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ के ऊपर चलते हैं और बहुत सुंदर वहाँ पर माँ शारदा के दर्शन कराते हैं आपको। रास्ता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली आ सकते हैं, इतने सारे लोग हम देख रहे हैं आ रहे हैं, और हमारे साथ खुद 2.5 साल का बच्चा है, वो भी हमारे साथ आया है, टबरी भी आया है बहुत इजीली। तो कोई भी यहाँ पर जब भी आप इस तरफ आएँ विंध्यवासिनी माता के मंदिर ज़रूर आएँ, बहुत मान्यता है और दर्शन आप ज़रूर करके जाएँ। पूरी ही वैसे तो ये चिला रेंज में आपको वाइल्ड लाइफ कहीं पर भी दिख सकती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा साइटिंग के चांसेस होते हैं। यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स के ऑप्शंस हैं, हमने कुछ दिखाए हुए हैं और हमेशा आपको ऑप्शंस तो हम देते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ एक रहने का ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप वाइल्ड लाइफ से प्यार करते हैं। चलिए पहले दर्शन करते हैं, फिर बाद में कुछ और जानकारी आपको देंगे। तो चलिए अब चलते हैं आगे, चलो टबरी। नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ कुछ शॉप्स हैं जिसमें जैसे कि यहाँ पर जब दर्शन करने जाते हैं तो प्रसाद मिल जाता है यहाँ से, और कुछ ढाबे भी दिख रहे हैं मुझे जहाँ पर आप मैगी वगैरह खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाने के ऑप्शन भी आपको कुछ मिल जाते हैं। लेकिन हम अभी थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे, कुछ रिजॉर्ट है वहाँ पर लंच करते हैं। बहुत अच्छी बनाई हुई है। चलिए ये विदित को तो ये सबसे ज्यादा पसंद है, ये जब भी इस तरफ आता है ना इस जिप्सी के लिए आता है। हम आए हैं वाइल्ड ब्रुक और यहाँ पर हम लंच करेंगे। अब बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है ये, हमने एक रूम अभी इनसे 2 घंटे के लिए रेंट पे लिया है, और यहीं पे क्योंकि हमें वॉशरूम यूज़ करने थे, उसके बाद लंच हमने इनको पहले ही फ़ोन करके बोल दिया था, तो हमारा लंच ऑलमोस्ट रेडी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, खाना हमारा रेडी है, गर्मा गर्म दाल राइस सब्जी रोटी और सैलड। मुझे तो बहुत मज़ा आया खाना खा के। भाई एवरीवन आप अपना फीडबैक दे प्लीज़। तनिषा शुरू तुमसे है। खाना बहुत अच्छा है, घर बिल्कुल घर जैसा। बिल्कुल घर जैसा, आप बताइए। घर जैसा खाना है और घर से अलग इतना अच्छा खाना पहली बार खाया। वेरी गुड विवेक। बहुत अच्छा खाना था, घर जैसा। भैया आप बताइए। बहुत अच्छा खाना था, घर जैसा। हाँ जी, अलग से कुछ नहीं है। देखो सब घर जैसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पाइसेस जो थे ना वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, तो खाकर ऐसी चीज अगर खाते हैं ना तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। इवन देखो छोटा बच्चा भी आवाज़ उसने भी बड़ा मजे से खाया है, और ये बड़े बच्चों ने भी खाया है। बड़े बच्चे कुछ कहना चाहेंगे? यम्मी, इसके तो फेवरेट है दाल राइस।
विख्यात को इतना पसंद आई ये जगह कि अब देखो जाने में वो वापस जाने में रो रहा है, उसको जाना ही नहीं है, यहीं रहना है। ओ अब टबरी ड्राइव करेगा, लगेज की तो कोई टेंशन ही नहीं है, सो मच स्पेस। आई थिंक 10 to 15 बैग्स इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ ओली जाने वाले हैं फैमिली ट्रिप को लेकर के, और मैं सोच ही रहा था कि कार्स का लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो एक पूरी फैमिली के लिए कॉम्पैक्ट कार है ये। कितने लोग जाने हैं? 15-20 लोग जाने हैं, तो 15 लोग तो इसमें आराम से आ जाएंगे, लोगों के लिए बहुत कम्फर्टेबल है। 12-15 लोगों का ऑप्शन है तो मुझे लगता है ये ऑप्शन अच्छा है। बाकी एक फ़ायदा ये भी है कि एक बार टैंक फुल कराओ तो 500 किलोमीटर तक टेंशन नहीं है फ्यूल की, और दूसरा क्योंकि ऐसी जगहों पर जब जाते हैं ना तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी बड़ा मुश्किल मिलता है, और दूसरी चीज़ कि आपको ये रेंट आउट कर सकते हैं इजीली 22-23 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। बहुत अच्छा रहा आज की जर्नी हमारी। अभी हम चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं, चाय कॉफ़ी, और हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच ही गए हैं। जनरली हम लोग पहले भी कई बार ऐसे ट्रिप पर गए हैं, लेकिन हम अलग अलग गाड़ियों में जाते थे, और आज पहली बार मतलब हम लोग इस तरह से गए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये ऑप्शन आप भी ले सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में आज एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी दिखाया है और एक अच्छा गाड़ी का ऑप्शन भी दिखाया है, तो अगर आप फैमिली में फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सफर का मजा तो साथ साथ है, बहुत मजा आया आज हमें साथ साथ सफर करके, और इसी तरह के हम प्लान्स बनाते रहेंगे, आप भी बना सकते हैं टाटा विंगर के साथ। सब लोग साथ में जाइए और मज़े कीजिए। हमने बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी आपको दिखा दिया है, और इसी तरह से हम और ऑप्शंस आपको दिखाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप चेक कर लीजिए, और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो 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 हेलो, ओके, वापस रीटेक। हाँ, रेडी, 1 2 3। इधर देखो, इधर विख्यात भी बोलेगा ये, ये नहीं बोलेगा।